नमस्कार, एवरल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आप पहुंचे हैं लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन जीवन प्लाजा चौराहे के थोड़ा पहले, जहां पर हमने लखनऊ की आपको इतनी जगह दिखाई कि यहां गड्ढे हैं, दिक्कतें हैं, और योगी जी ने भी कहा कि ग्रीन सिटी बनाना है, जल्दी लखनऊ के गड्ढे कवर किए जाएंगे, लखनऊ की जो गंदी जगह है उन्हें सही किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमको नहीं दिख रहा, और हमने आपको ये भी दिखाया कि लखनऊ के जो छोटे मोटे एरियाज हैं जहाँ पर आम जनता बसती है, वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है और वीआईपी एरियाज में नहीं है। लेकिन आज हम आपको वीआईपी एक ऐसी जगह दिखा रहे हैं, गोमती नगर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई रहती है। लेकिन आप इस जगह को देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा ये गड्ढे वाला इलाका है, अगर गाड़ी को जाने में भी यहाँ से दिक्कत होगी, और पीछे पूरी गंदगी है। जहाँ पर एक योगा स्थल है, जहाँ पर लोग आते हैं, शांति के लिए आते हैं, आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह यहाँ गड्ढे, एकदम पुल के नीचे वाला ये इलाका है, टूटा पड़ा है, और ये काफ़ी वक्त से है, और ये पूरा पीछे देखेंगे मेरे, पूरा उन लोगों ने कूड़ा घर बना रखा है, और गवर्नमेंट इसको लेके कोई कदम नहीं उठा रही है। देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बुरी तरह गड्ढे हैं यहाँ पर, जो गाड़ियाँ आएंगी, बाइक्स आएंगी, इनको कितनी दिक्कत हो सकती है, और ये काफ़ी वक्त से यहाँ पर है, इनको सही नहीं किया जा रहा है। और जैसे कि योगी जी ने कहा कि लखनऊ और यूपी की जो जगह हैं उनको सही किया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई काम उनको दिखा नहीं है। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक योगा केंद्र है, उसके आसपास का भी इलाका सही नहीं है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ही बोर्ड लगा हुआ है, सहस योग ध्यान केंद्र का, ये उसकी बिल्डिंग है, और उसी के बाहर का भी ये इलाका देख सकते हैं, ये रोड भी पूरी टूटी है पूरी तरीके से, और साथ ही यहाँ पर कूड़ा घर भी इन्होंने यही बना रखा है, इतना गंदगी है। जहाँ पर लोग शांति के लिए आते हैं उस जगह पर इतना ज़्यादा गंदगी है, आप देख सकते हैं, और ना ही आम जनता इसकी जिम्मेदारी उठा रही है, ना ही सरकार। और आप देख सकते हैं ये एरिया, आप थोड़ा देख सकते हैं वीआईपी एरिया, काइंड ऑफ वीआईपी एरिया है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है, साफ सफाई की यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। नमस्कार सर, आपका नाम? हरीश चंद। सर, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी, जबकि गोमती नगर का इलाका पड़ता है, और हम कहते हैं वीआईपी एरिया साफ रहते हैं सरकार की तरफ से, और इतनी ज़्यादा गंदगी है, इसको लेकर क्या समस्या क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा यहाँ पर? ये नगर निगम नहीं देखता, नगर निगम वाले खुद करते हैं यहाँ पे, ये जो क्या कहते हैं, ये ठेलिया वाले काम करते हैं, जो रोड पर सफाई करते हैं, वो सारे ठेलिया वाले यहाँ डंप करते हैं, और डंप करके बाद में जब मर्जी हो तब उठाते हैं, कभी कभी तो यहाँ तक पूरा रोड भर देते हैं। तो यहाँ योगा केंद्र है, यहाँ पर तो लोग आते होंगे, तो बिल्कुल आते हैं, समस्या होती है, बिल्कुल होती है। तो शिकायतें की गई है नगर निगम से इस चीज़ को लेकर? हाँ, शिकायतें पोर्टल पे हम लोगों ने शिकायत करी है। अच्छा, हाँ, तो अभी तक कोई आया नहीं चीज को साफ करने? कोई जवाब दे ही नहीं आया, कोई पूछने हाँ नहीं आया, यहाँ की कोई भी नहीं आता है। और इधर रोड भी इतनी ज्यादा टूटी हुई है पूरी। हाँ, रोड तो बहुत गंदी है, ये रोड पे पानी का निकास है नहीं, और इसलिए वो पूरा पानी यहाँ भर जाता है, रोड कोई देखने वाला नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर सफाई के कितने बुरे हालात हैं, कितनी ज़्यादा गंदगी है, और ये कोई कूड़ा घर नहीं है, लेकिन लोगों ने, जो आम जनता है, उन्होंने इसको कूड़ा घर बना दिया, यहाँ पर गंदगी, और यहाँ पर पीछे लोगों के घर हैं, प्लॉट्स हैं, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, तब भी इतनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। इस वक्त हमने आपको दिखाया लखनऊ का एक वीआईपी इलाका, जहाँ पर वीआईपी लोग रहते हैं, कहा जाता है कि काफ़ी बड़ी जगह है, जहाँ पर नेता भी आते जाते रहते हैं, उस जगह की आप हालत देख सकते हैं कैसी। और योगी जी ने कहा था कुछ जगहें यूपी की हैं जो बनाई जाएंगी, जो सुधारी जाएंगी, लेकिन कुछ जगह में ये जगह अभी तक क्यों नहीं सुधारी गई है, इसका भी बड़ा सवाल उठता है, और जनता से भी सवाल है, उनसे भी निवेदन है कि वो अपनी जिम्मेदारी उठाएँ, ये जो गंदगी वो फैला रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे जो आम जनता जो यहाँ रहती है उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। साथ ही सरकार से निवेदन है, जो कर्मचारी हैं जो इन सब कामों में ध्यान देते हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस जगह को थोड़ा सुधारा जाए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आरुषि अग्रवाल, कैमरामैन हिमांशु कश्यप के साथ, अविरल टाइम्स।